हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जमात तीसरी का चैप्टर नंबर 9, कुआं बेचा है कुएं का पानी नहीं। ये कहानी है जिसे हम बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक शख्स होता है जो बहुत चालाक और होशियार होता है, इसके अलावा वो कंजूस होता है, और इसके अलावा इसके पास एक बड़ा सा कुआं होता है, लेकिन यह अपने कुएं से किसी का भी फायदा होने नहीं देता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसने बोला है, एक शख्स बहुत चालाक और होशियार था। मीन्स कि इसने बोला है कि जिस शख्स के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे या हम पढ़ेंगे, वो बहुत चालाक और होशियार था। इसके अलावा वो अपनी अकल का, मीन्स कि उसके पास जो भी ब्रेन है या उसकी समझ बूझ है, उसका वो हमेशा गलत तरीके से ही इस्तेमाल करता था। वे इंतहाई कंजूस और खुदगर्ज किस्म का इंसान था। मीन्स कि ये शख्स हमेशा अपने बारे में ही सोचता था, लोगों को परेशान करने में इसको बहुत मज़ा आता था। मीन्स कि अगर ये लोगों को परेशान होता देख, इसको बहुत मज़ा आता था कि अगर कोई भी शख्स परेशान हो रहा है। किसी शख्स के काम आना उसकी फितरत के खिलाफ था। मीन्स कि इसने बोला है कि उसको किसी के भी काम आना पसंद नहीं था। अगर वो किसी के काम आता है तो वो उसकी फितरत के खिलाफ जाता था। मीन्स कि उसकी असलियत के वो खिलाफ जाता था। इसके पास एक कुआं था, मगर वे इससे किसी भी रागीर को पानी देना तो दूर की बात है, उसे कुएं के आसपास भटकने भी नहीं देता था। मीन्स कि ये कितना ज़्यादा कंजूस, इंतहाई कंजूस और खुदगर्ज किस्म का शख्स हुआ। इसके पास कुआं है, ये लोगों की मदद कर सकता है कि ये लोगों को पानी देने से ना रोके। बट इसने बोला है कि किसी राहगीर को पानी देना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये किसी भी शख्स को कुएं के पास भटकने भी नहीं देता था। आसपास के लोगों ने उसे बहुत समझाया, मीन्स कि शख्स को जो बहुत कंजूस है, उसे बहुत समझाया कि देखो, कुआं तुम अपने साथ नहीं लेकर के जाओगे, अगर इससे किसी का फ़ायदा पहुंचता है तो पहुंचने दो। यहाँ लोगों ने इस कंजूस शख्स को बहुत समझाया कि लोगों को पानी देने से मना मत करो, अगर किसी दूसरे शख्स का इससे फ़ायदा हो रहा है तो अच्छी बात है, इसे दूसरे शख्स का फ़ायदा होने दो। यहाँ तक कि लोगों ने यह भी कहा कि अल्लाह तुम्हें इसका अजर भी देगा, मीन्स कि अल्लाह तुम्हें इसका रिजल्ट भी देगा, इसलिए कुएं से लोगों को पानी पीने दो। मीन्स कि लोगों ने इसे बहुत समझाया कि हमें दूसरे शख्स का फ़ायदा करना चाहिए, अगर हम दूसरे शख्स को फ़ायदा पहुंचाते हैं तो अल्लाह हमें इसका अजर ज़रूर देता है। लेकिन इस खुदगर्ज इंसान पर किसी की बात का कोई भी असर नहीं हुआ। मीन्स कि यह हुआ क्या कि लोगों ने इसे इतना समझाया कि अल्लाह के लिए लोगों को पानी दे दो, पानी पीने के लिए मना मत करो, लेकिन इस खुदगर्ज और कंजूस, जो इंतहाई कंजूस और खुदगर्ज किस्म का शख्स था, उस पर किसी भी बात का कोई भी असर नहीं हुआ। फिर यहाँ आखिरकार एक खुदा तरस आदमी ने उससे वे कुआं खरीद कर अल्लाह के मखलूक के लिए वक्फ कर दिया। मीन्स कि आगे क्या हुआ यहाँ पर कि एक खुदा तरस आदमी ने इस कंजूस शख्स के कुएं को खरीद लिया और उसे लोगों के लिए पेश कर दिया। इस मक्कार आदमी ने इसके नेक मकसद को भाप कर कुएं से ज़्यादा कीमत वसूल कर ली। मीन्स कि इस शख्स ने कहा या उसने सोचा कि ये व्यक्ति अल्लाह की मखलूक के लिए कुएं को खरीद रहा है, तो मैं क्यों ना इससे ज़्यादा पैसे वसूल करूं। तो इसलिए इसने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कीमत इस नेक बंदे से वसूल की। तो दूसरे दिन लोग क्या देखते हैं कि हस्ब मामूल वे शख्स कुएं को घेरे बैठा है और किसी को भी पानी लेने नहीं दे रहा है। मीन्स कि अगले दिन लोगों ने देखा कि जो
कुएं का मालिक था जो बेहद कंजूस था, होशियार था, चालाक था और अपनी अकल का हमेशा गलत तरीके से ही इस्तेमाल करता था। तो ये शख्स अगले दिन इस कुएं के पास आकर के बैठ गया। तो लोगों ने ये खबर उस सखी तक पहुंचाई, मीन्स कि लोगों ने कहा कि इस कुएं का जो मालिक है जो बेहद कंजूस और होशियार है वो इस कुएं के पास बैठा है। तो लोगों ने ये खबर किस शख्स को पहुंचाई? जिस शख्स ने लोगों के लिए कुएं को खरीदा था, अल्लाह की मखलूक के लिए खरीदा था। उसने आकर पूछा, अब तुम्हारा यहाँ क्या काम है? मीन्स कि जो नेक बंदा था उसने उस कुएं के मालिक से कहा कि अब तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम लोगों को पानी भरने से क्यों रोक रहे हो? कुआं मैं खरीद चुका हूँ और तुम्हें उसकी पूरी कीमत भी अदा की जा चुकी है। मीन्स कि उस नेक बंदे ने बोला कि अब तो मैंने तुम्हें कुएं की पूरी कीमत भी अदा कर दी है, लेकिन तुम फिर भी लोगों को पानी पीने से क्यों रोक रहे हो? बराकरम यहाँ से चले जाओ। इस नेक बंदे ने बोला कि यहाँ से तुम चले जाओ, क्योंकि मैं इस कुएं की पूरी कीमत अदा कर चुका हूँ जो भी तुमने मुझसे मांगी थी। मैंने ये कुआं अल्लाह के मखलूक के लिए ख़रीदा है। मीन्स कि स्नेक बंदे ने बोला, मैंने ये कुआं तुमसे इसलिए ही ख़रीदा था ताकि मैं लोगों को, मीन्स कि अल्लाह के मखलूकों को मैं पानी दूँ। लोगों को पानी लेने से रोकने का अब तुम्हारा कोई हक नहीं। मीन्स कि स्नेक बंदे ने बोला कि ये कुआं मैंने अल्लाह के मखलूक के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए ख़रीदा है, उन लोगों को पानी देने के लिए ही ख़रीदा है, राहगीर को पानी देने के लिए ख़रीदा है, तो अब तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता है कि तुम इस कुएं से किसी को भी या किसी भी शख्स को, राहगीर को पानी भरने ना दो। वे बद खसलियत आदमी हुच करने लगा। हुच का मतलब क्या होता है? बहस करने लगा। जनाब मैंने कुआं मैंने आपके हाथ ज़रूर बेचा है, लेकिन इसका पानी नहीं बेचा। मीन्स कि जो कुएं का मालिक था जो बहुत होशियार और चालाक था, इस शख्स ने कहा उस नेक बंदे से कि मैंने आपको सिर्फ कुआं बेचा है। मीन्स किसने बोला कि मैंने सिर्फ ये कुआं ही आपको बेचा है, ना कि इसके अंदर का पानी। अब इसने बोला आगे कि माहिरे में पानी बेचने का कोई भी जिक्र नहीं है। मीन्स कि इन दोनों ने जो भी बातचीत की थी उसमें इन्होंने ये नहीं बोला था कि कुएं का पानी भी आपका है। ऐसा इस कंजूस शख्स ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ था कि आपने मुझसे ये भी बोला था कि कुएं का पानी भी बेच दिया है। सो इसलिए यहाँ ये बोलता है कि कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं। कुएं का पानी मेरा है। इस कंजूस शख्स ने कहा कि कुएं का पानी अभी भी मेरा है, इसलिए मैं जिसको चाहूँ पानी लेने से रोकूं। इस मामले में आपको इख्तियार नहीं है, कुआं बेशक आपका है। मीन्स किस कंजूस आदमी ने कहा कि मैंने सिर्फ आपको कुआं बेचा है, ना कि कुएं का पानी, तो मैं अब भी जिसको भी चाहूं उस व्यक्ति को मैं पानी पीने से रोक सकता हूं। तो उस नेक बंदे सखी आदमी ने कहा, बेशक भाई तुम्हारा है और कुआं मेरा है। मीन्स किस नेक आदमी ने बोला कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि पानी तुम्हारा है और कुआं मेरा है, अपना पानी मेरे कुएं में से ले जाओ। मीन्स कि उसने एक बंदे ने बोला कि कुआं मेरा है और पानी तुम्हारा है, तो मेरे कुएं में से अपने पानी को ले जाओ, वरना तुम्हारा पानी अपने कुएं में रखने के लिए मैं किराया लूँगा। मीन्स कि स्नेक बंदे ने बोला, अगर तुम बोल रहे हो कि कुआं तुम्हारा है, कुआं मेरा है और पानी तुम्हारा है, तो मेरे कुएं में तुम्हारा पानी है और उस पानी के रखने के लिए मैं किराया लूँगा। ऐसे स्नेक बंदे ने उस चलाक और होशियार शख्स से कहा। अब तो वह मकार बहुत घबरा गया। मीन्स कि जो मकार शख्स था वो बहुत घबरा गया कि ये बोल रहा है कि कुआं मेरा है और पानी तुम्हारा है और मैं उसका किराया लूँगा। तो ये इस बात से बहुत घबरा गया कि उस मुसीबत में
फंस रहा हूँ, मैं ये किस मुसीबत में फंसता चला जा रहा हूँ। भाई ठीक कहते हो, जाता हूँ और पानी तो खुदा का है। तो इस होशियार और चलाक आदमी ने, जो बेहद कंजूस आदमी था, उसने बोला, अच्छा भाई ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और पानी तो खुदा का है, मीन्स कि अल्लाह का है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर वे वहाँ से फौरन चल दिया। सो उस चलाक और होशियार आदमी ने अल्लाह के नेक बंदे आदमी से माफ़ी मांगी। इसने कहा कि भाई तुम ठीक कहते हो, पानी तो खुदा का है, और वह यहाँ से ये के करके चल दिया। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एंड देन मैं आप लोगों से उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग इसके किसी भी सवाल का जवाब बहुत ईजली तरीके से दे पाओगे। सो अब हम लोग इसके अल्फाज मायने को डिस्कस करते हैं। सो यहाँ से इसके अल्फाज मायने शुरू होते हैं। फितरत का मतलब क्या होता है? मिजाज या आदत, मीन्स कि जो एक हमारा बिहेवियर और नेचर होता है। अजर का मतलब क्या होता है? इनाम या बदला, मीन्स कि अगर हम किसी के साथ नेक काम करते हैं तो हमें उसका बदला ज़रूर मिलता है। खुदा तरस का मतलब क्या है? जो रहम दिल का होता है, खुदा से डरने वाला होता है। मखलूक का मतलब क्या है? जानदार, मीन्स कि अल्लाह का पैदा किया हुआ। वक्त का मतलब क्या है? खुदा के नाम पर दिया हुआ। हस्बी मामूल का मतलब क्या है? आम तौर तरीके के मुताबिक, मीन्स किसने बोला है कि आम तरीके के मुताबिक। बदखसलियत का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पर? बुरी आदत वाला। हुर्ज का मतलब क्या होता है? बहस। माहिरे का मतलब क्या है यहाँ पर? इकरार। मुनहसर होने का मतलब क्या है यहाँ पर? दारोमदार होना, मीन्स कि अपनी गलती के ऊपर नादिम होना। सो अब यहाँ से हमारे शुरू होते हैं सवाल जवाब, जिसमें इसने फर्स्ट में बोला है सोचो, सोचिए और बताइए कुएं का मालिक कैसा आदमी था। आई होप आप लोगों को इसका जवाब बहुत अच्छे से पता होगा कि कुएं का मालिक कैसा आदमी था। सो हम इस सवाल के जवाब में क्या लिखेंगे कि कुएं का आदमी बहुत चलाक और होशियार था। अपनी अकल का वह हमेशा गलत तरीके से ही इस्तेमाल करता था, और इसके अलावा बच्चों वे इंतहाई कंजूस और खुदगर्ज किस्म का इंसान भी था। लोगों को परेशान करने में उसे बहुत मज़ा आता था। किसी शख्स के काम आना उसकी फितरत के खिलाफ था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सवाल नंबर 1 का जवाब क्या है। अब हम पढ़ते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में पूछा है, आसपास के लोग कुएं के मालिक को क्या समझाते थे। सो उम्मीद है कि आप लोगों को इसका आंसर भी पता होगा कि जो कुएं के आसपास के जो लोग थे वो उस कुएं के मालिक को क्या समझाते थे। यहाँ से हमारा सवाल नंबर 2 का जवाब शुरू होता है कि आसपास के लोग उसे समझाते थे कि देखो ये कुआं तुम अपने साथ नहीं ले जाओगे, अगर इससे किसी का फायदा पहुंचता है तो पहुंचने दो, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा, इसलिए कुएं से लोगों को पानी पीने दो। मीन्स कि लोगों ने उसे समझाया कि अल्लाह के लिए पानी पीने दो, पानी पीने से मत रोको, अगर तुम किसी को फायदा पहुंचाओगे तो अल्लाह भी तुम्हें इसका अजर जरूर देंगे। सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सवाल नंबर 2 का जवाब है। अब हम सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं, खुदा तरस आदमी ने कुआं क्यों खरीदा। मीन्स किसने बोला है कि उस नेक बंदे ने कुआं क्यों खरीदा था। सो सवाल नंबर 3 में आप लोग लिखोगे कि उस शख्स, उसके बाद क्या लिखना है आप लोगों को? शख्स। इसके बीच में आप लोगों को शख्स भी लिखना है कि उस शख्स के पास एक कुआं था, मगर वे किसी भी रागीर को पानी देना तो दूर की बात, उस कुएं के पास किसी को भटकने भी नहीं देता था। और उसके अलावा आप लोग लिखोगे कि लोगों को परेशान करने में उसे बहुत मज़ा आता था। सो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि आखिरकार एक खुदा तरस आदमी ने उससे वे कुआं खरीद लिया और अल्लाह के मखलूक के लिए वक्फ कर दिया। सो सवाल नंबर 3 में सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग एक लाइन लिखोगे, एंड देन उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग तीसरे वाले की दूसरी
दूसरी लाइन लिखोगे तीसरे वाले की दूसरी लाइन, एंड देन फिर उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका एंड कर देना है सवाल नंबर तीसरे के जवाब का। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं सवाल नंबर चौथा। सोचते बोला है कि कुएं के मालिक ने लोगों को पानी पीने से क्यों रोक दिया। मीन्स किसने बोला है, जो कुएं का मालिक था उसने फिर दोबारा लोगों को कुएं से पानी पीने के लिए क्यों रोका था। तो सवाल नंबर चौथे में हम लोग लिखेंगे कि कुएं के मालिक ने लोगों को पानी पीने से इसलिए रोका क्योंकि उस शख्स ने कहा कि मैंने कुआं आपके हाथ जरूर बेचा है लेकिन इस कुएं का पानी नहीं बेचा। मीन्स उसने कंजूस शख्स ने बोला कि मैंने कुआं जरूर बेचा है आपको लेकिन इस कुएं का पानी मैंने आपको नहीं बेचा। इसने बोला कि हमारे मियादे में पानी बेचने का कोई भी जिक्र नहीं है, कुएं का पानी मेरा है इसलिए मैं जिसको चाहूँ पानी पीने से रोकूँ। सो बच्चों आप लोग ये लिखोगे सवाल नंबर चौथे के आंसर में। अब हम सवाल नंबर पांचवा पढ़ते हैं। कुएं के पानी के बारे में कंजूस ने सखी से क्या हुर्ज की। सो बच्चों बदखुशलियात आदमी ने क्या हुर्ज किया कि जनाब मैंने कुएं के हाथ जरूर बेचा है लेकिन इसका पानी नहीं बेचा। हमारे मिहादे में पानी बेचने का कोई भी जिक्र नहीं है, कुएं का पानी मेरा है इसलिए मैं जिसको चाहूँ पानी पीने से रोकूं। सो इस मामले में आपको अख्तियार नहीं है, कुआं बेशक आपका है। सो बच्चों आप लोग लिखोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सवाल नंबर पांचवे का जवाब। किस्मत खुशलियात आदमी ने कहा कि मैंने जरूर आपको कुआं बेचा है लेकिन कुएं का पानी मैंने आपको नहीं बेचा है इसलिए मैं जिसको चाहूँ उसे मैं पानी पीने से रोक सकता हूँ। सो बच्चों आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इन सवालों के जवाब क्या क्या होने चाहिए। अब हम लोग सवाल नंबर तीसरा पढ़ेंगे कि नीचे दिए हुए जुमले को वकात की तरबियत से लिखें। मीन्स किसने बोला है कि आप लोगों को आगे पीछे दे रखा है या आप लोगों को एक सीक्वेंस में लिखना है। जैसे फर्स्ट में हम लोगों ने चैप्टर में क्या पढ़ा था कि एक शख्स बहुत चालाक और होशियार था, तो इसको हम देंगे यहाँ पर फर्स्ट कि फर्स्ट में ये लिखा जाएगा। और उसके अलावा फिर हमने क्या पढ़ा था कि अपनी अकल का वे हमेशा गलत तरीके से इस्तेमाल करता था, हम इसे लिखेंगे दूसरी लाइन में। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक खुदा तरस आदमी ने कुआं खरीद कर अल्लाह के मकूल के लिए वक्फ कर दिया, इसे हम लिखेंगे तीसरी लाइन में। इसके अलावा फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि कुआं में खरीद चुका हूँ और तुम्हें उसकी पूरी कीमत भी अदा कर चुका हूँ, इसे हम लिखेंगे फोर्थ लाइन में। एंड देन लास्ट में क्या हुआ कि भाई ठीक कहते हो, पानी तो खुदा का है, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। एंड देन ये लाइन कहानी के लास्ट की है इसलिए हम लोग इसको मार्क करेंगे फिफ्थ लाइन। सो आप लोगों को इसे इस तरीके से सीक्वेंस में लिखना है कि पहला वाक्य ये बोला गया, मीन्स कि पहला जुमला ये बोला गया, फिर दूसरा जुमला कहानी में ये बोला गया और तीसरा जुमला ये बोला गया। तो इस तरीके से आप लोगों को ये एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। अब हम लोग सवाल नंबर चौथा स्टडी करते हैं कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में मुज़क्कर और मोनस पहचानिए। सो बच्चों मुज़क्कर शी के लिए इस्तेमाल होता है और मोनस यहाँ पर ही के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम लोग मुज़क्कर पर टिक लगाएंगे जो कि शी के लिए है। कुआं क्या होगा, यहाँ पर शी के लिए इस्तेमाल हुआ है। पानी क्या होगा, शी के लिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि हम इस तरीके से बोलेंगे कि पानी आता है, ना कि हम ये बोलेंगे कि पानी आती है। सॉरी बच्चों यहाँ पर एक गलती हुई थी, मुज़क्कर हम लोग ही के लिए इस्तेमाल करते हैं और मोनस हम लोग शी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मुज़क्कर पर टिक लगाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है कुआं। इसके अलावा यहाँ पर होगा क्या, पानी, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि कुएं से, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलूँगी पानी आता है, ना कि हम लोग ये बोलेंगे कि पानी आती है। तो आप लोगों को फिर प्रोनाउंसिएशन चेक करते जाना है आप लोगों के पेपर में भी और जब आप लोग सॉल्व करो। एंड द नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं
शख्स, शख्स भी क्या होगा, मुजक्कर है। अब कीमत क्या है यहाँ पर, कीमत कीमत चुकानी है, तो कीमत यहाँ पर शी होगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि कीमत चुकाता है, तो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, कीमत। तो कीमत किस में आएगा यहाँ पर, मोनस में। यहाँ पे मैं बना देती हूँ मीम, मोनस का मीम। फितरत किस में आएगा, फितरत भी हम मोनस में लिखेंगे। मकसद किस में आएगा, मकसद जाएगा मुजक्कर में। मुसीबत, मुसीबत भी मोनस का है तो मैंने मोनस लिख दिया। और भाई, और भाई हम लोग किस में लिखेंगे, मुजक्कर में। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। इसने बोला है कि लफ्ज़ों के हमें मुतज़ाद लिखने हैं। कंजूस का क्या होगा, कंजूस का मुतज़ाद क्या होगा, सखी। तो मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया है सखी। गलत का क्या होगा यहाँ पर, ऑब्वियसली गलत का होगा सही। खरीद का क्या होगा यहाँ पर, फरोख्त। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ फरोख्त। इसके बाद नेक का क्या होगा यहाँ पर, बद। तो मैंने यहाँ बद लिख दिया। फ़ायदे का क्या होगा यहाँ पर, नुकसान। तो हम लोग यहाँ फ़ायदे का लिखेंगे नुकसान। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कंजूस का क्या होगा, सखी। गलत का सही। खरीद का फरोख्त। नेक का बद। फ़ायदे का नुकसान। सो बच्चों अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सवाल नंबर 6। ये नीचे दिए गए लफ्ज़ों के खुशखत लिखिए। मीन्स किसने बोला है कि आप लोगों को राइटिंग लिखनी है यहाँ पर, ये जो यहाँ पे अल्फाज दे रखे हैं, जैसे मामूल, इंतहाई, सहते, मखलूक और खसलत। सो आप लोगों को यहाँ राइटिंग करनी है। सो बच्चों आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट चैप्टर समझाऊंगी। सो बच्चों जब तक के लिए गुड बाय।